हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स जहां आपको 100 परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है साथ ही आप यहां पर सीयूटी एन टी एस सी ओलम्पियाड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो हंड्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता योर आई एजुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोट फोर्स टू पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फाइव डिजिटल प्रेजेंटेशन के चैप्टर 15 का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यस स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हमने देखा था कि आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है कौन से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे हम काम करने वाले हैं ये सब हमने समझा था थ्योरी में राइट right? और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं मीन्स यहाँ से हमने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूनिट की शुरुआत की थी जिसमें हम एम एस पॉइंट के बारे में पढ़ा था और आज जो प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं वो भी एम एस पॉइंट के बारे में ही हम देखेंगे राइट सो बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो हम ये जान ले कि हमने यहां पर इस पूरी बुक को कंप्लीट कर लिया है जिसमें आपके पार्ट ए पार्ट बी दोनों इन्वॉल्व है राइट पार्ट ए इम्प्लाटी स्किल्स एंड पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स और दोनों पार्ट के सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो वाइजियोक्स वन शॉर्ट रिविजन एवरीथिंग इज कैसे एक्सेस कर सकते हो आप यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से एक्सेस कर सकते हो या फिर आप मैग्नेट ड्रींस डॉट कॉम वेबसाइट का यूज कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो एंड रिमेंबर इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है सो so, जो भी स्टूडेंट पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये न्यूज है कि आप कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट्स के राइट सो so, इस चैप्टर को प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो देख लेते हैं राइट इसमें हमने समझा था सबसे पहले इंट्रोडक्शन लाइक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते क्या है ठीके? क्या कॉम्पोनेट होते हैं बेसिकली किसी भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को जब आप स्टार्ट करते हो जब उसका इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है तो आपको कौन कौन से कॉम्पोनेंट दिखते हैं एंड आफ्टर दिस वॉट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में जब आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो स्लाइड बनाते हो तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सो ओवरऑल कुल मिला देखा जाए तो ये थ्योरी चैप्टर था

ने ऑडियंस के सामने ताकि वो आपकी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने में हेल्प कर सके आगे बात समझ में सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं एमएस पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल सो स्टूडेंट हियर्स द डेस्कटॉप स्क्रीन जहां पे बॉटम पे आपको टास्क बार शो होती है और इस टास्क बार में आपको एकदम लेफ्ट साइड पे आकर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेना है जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाता है जहां पे कुछ रिसेंट एप्लीकेशन आपको विजिबल होती है इसमें देखो आप एज वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट विजिबल हो रहा है तो आप यहाँ से पावर पॉइंट को क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप इस सर्च बार में सर्च बार में भी पावर पॉइंट क्लिक कर स्टार्ट कर सकते हो एप्लीकेशन को राइट तो जैसे ही मैंने पावर पॉइंट लिखा तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन आपके सामने विजिबल हो गया नाउ क्लिक हियर सो so, इस तरीके से आपको पावर पॉइंट का बैक स्टेज व्यू शो होता है जिसमें आप देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको कुछ फोल्डर्स दिख रहे हैं होम न्यू ओपन जिसमें आप यहाँ पे नई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो या फिर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन को भी क्रिएट कर सकते हो साथ ही उसी के जस्ट बिलो आप देखो यहाँ पर रिसेंट जो आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट की होगी उसकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जानी आप यहाँ से उसे ओपन भी कर सकते हो राइट सो सपोज हम यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं दिस इज द एक्चुअल इंटरफ़ेस ऑफ पॉइंट प्रेजेंटेशन जहां पे हमने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन किया हुआ है अब यहाँ पे आप देखो सबसे टॉप पे आपको दिखती है टाइटल बार राइट अब इस टाइटल बार में डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन का नाम होता है और साथ ही आपको पावर पॉइंट एप्लीकेशन का नाम देखता है अब जो भी भी प्रेजेंटेशन आप क्रिएट कर रहे हो उसे जिस भी नाम से सेव करोगे उसका नाम आपको यहाँ पर शो होगा डिफॉल्ट आपको प्रेजेंटेशन वन शो हो रहा है उसी के साथ आपको राइट right साइड में यहाँ पे कंट्रोल बटन मिलते हैं जैसे बिल्कुल आपने वर्ड में एक्सेल में भी देखे उसी तरीके से जहां पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज ये तीनों ऑप्शन बेसिकली इसमें अवेलेबल होते हैं उसी के जस्ट बाद यदि आप देखोगे यहाँ पर तो टॉप लेफ्ट साइड पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा जिसमें कुछ टूल्स आपको रिसेंटली एडेड दिखेंगे लाइक सेव अंडू रिडो है ना सो इस तरीके से टूल्स आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में एड भी कर सकते हो रिमूव भी कर सकते हो नाउ आफ्टर दिस आप देखो यहाँ पर आपको रिबन एरिया शो होता है जैसे आपने वर्ड एक्सेल में भी देखा है बिल्कुल वैसी रिबन एरिया शो हो रहा है जिसमें कुछ टैब्स हैं ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स में फर्दर कुछ ऑप्शंस और टूल्स अवेलेबल होते हैं टैब्स की बात कर टैब होम टैब इंसर्ट टैब ड्रॉ टैब डिजाइन टैब ट्रांजिशन टैब एनिमेशन टैब स्लाइड शो टैब रिकॉर्ड टैब रिव्यू टैब व्यू टैब एड इन टैब एंड हेल्प टैब सो कुल मिला के इतने टैब्स पावर पॉइंट में अवेलेबल होते हैं जिसमें डिफॉल्ट होम टैब सिलेक्टेड होता है आप सभी को अच्छे से पता है तीनों सॉफ्टवेयर जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं वर्ड एक्सेल और आप पावर पॉइंट सभी में होम टैब डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है यदि आपको वीडियोस वर्ड की एक्सेल की देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहां से आप उनके प्रैक्टिकल्स को भी एक्सेस कर सकते हो राइट सो होम टैब में बेसिकली आप देखो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स आपको देख रहे हैं लाइक क्लिप स्लाइड्स फॉन्ट पैराग्राफ ड्राइंग एंड एडिटिंग ठीक है सो यहाँ पे क्लिप के थ्रू आप स्लाइड्स को एडिट कर सकते हो जिसमें आपको कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन मिलते हैं साथ ही फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन मिलता है इसी तरीके से स्लाइड्स एक ग्रुप होता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे नई स्लाइड्स को एड कर सकते हो ठीक है देखो नई स्लाइड ऐड करना होता है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एम एड स्लाइड टू योर प्रेजेंटेशन जब आपको अपनी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को एड करना है तो हम इस बटन का यूज करते हैं या फिर आप शॉर्टकट की कंट्रोल एम का यूज कर सकते हो उसी के साथ आपको यहाँ कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं दैट इज लेआउट जिसके थ्रू आप स्लाइड का लेआउट देख सकते हो लेआउट बदल सकते हो इवन ठीक है यहाँ से आप स्लाइड का लेआउट भी बदल सकते हो डिफरेंट लेआउट्स के फॉर्मेट में आपको स्लाइड शो होती है नाउ आफ्टर दिस रीसेट बटन होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो रीसेट पोजीशन साइज एंड फॉर्मेटिंग द स्लाइड प्लेस होल्डर्स टू देयर डिफॉल्ट सेटिंग्स स्लाइड्स में जो भी प्लेस होल्डर्स होते हैं ना उनकी सेटिंग आप बेसिकली यहाँ से रीसेट कर सकते हो राइट जैसे सपोज आपको यहाँ पर इस ब्लैंक स्लाइड में जहां स्लाइड एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको दो प्लेस होल्डर्स दिख रहे हैं क्लिक टू एट टाइटल एंड क्लिक टू एट सब टाइटल तो यहां से आप इनकी पोजीशन को रीसेट कर सकते हो स्लाइड में जिस भी जगह पर होंगे तो ये अपनी पोजीशन पे रीसेट हो जाएंगे जब आप इस स्लाइड ग्रुप से जाकर रीसेट बटन पे क्लिक करोगे तब नेक्स्ट होता है सेक्शन सेक्शन का बेसिकली मतलब होता है इट ऑर्गेनाइज योर स्लाइड इनटू सेक्शंस स्लाइड को यदि आप सेक्शन में ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्लाइड को सेक्शन में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो बाई यूजिंग दिस ऑप्शन राइट सो क्लिप बोर्ड स्लाइड ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो गया उसी के साथ फॉन्ट ग्रुप यहां भी अवेलेबल होता है सो ग्रुप विजिबल तभी होता है जब आप यहाँ पे प्लेस होल्डर में कुछ कंटेंट लिखते हो जैसे so, मैंने प्लेस होल्डर पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो क्लिक करते से ही कर्सर ब्लिंक कर रहा है अब यहाँ जो भी आप एंटर करोगे जो भी सपोज टाइटल आपने ऐड करना है मैग्नेट ब्रेन Okay. ये आपने टाइटल किया। इस पर आपको बेसिकली है। so, अब इस पर्टिकुलर टाइटल को जो आपने किया। इस प्लेस को जैसे तो जो वो विजिबल हो जाएंगे जो डिसेबल थे अभी ठीक है अब यहाँ पे देखो फॉन्ट में वही सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जो बेसिकली हमने वर्ड एक्सेल में जाने थे लाइक बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो साथ ही यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेटिंग स्टाइल्स uh, मिल जाएंगे फॉन्ट के जैसे कि आपको फॉन्ट साइज बदलना है फॉन्ट 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 का स्टाइल 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 बदलना बदलना है तो है।, बदलना है तो तो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस आपको विजिबल हो हो रहे हैं जिस भी में आप सेट करना चाहते देखो आप जैसे जैसे कर्सर मेरा डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल पे मूव कर रहा है तो आपको प्लेस होल्डर में चेंजेस दिख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर ठीक है अलग अलग टाइप से आपको फॉन्ट स्टाइल में मैग्नेट ब्रेन्स विजिबल हो रहा है क्लियर सो so, आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हो क्लियर उसी के साथ आप यहाँ से फॉन्ट का साइज भी बदल सकते हो डिफॉल्ट यहाँ सिक्सटी फॉन्ट साइज दिख रहा है आप फॉन्ट साइज भी यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो ओके सो यहाँ से एक फिक्स्ड फॉन्ट साइज आप सेट कर सकते हो जैसे सिक्सटी डिफॉल्ट सेट था मैंने सपोज सेवेंटी टू सिलेक्ट कर देना है या एटी सिलेक्ट कर देना है नव यहाँ से आप फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज को भी यूज कर सकते हो तो फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की यूज होती है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कंट्रोल शिफ्ट लेस देन ठीक है उसी के जस्ट बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग जो भी आपने फॉर्मेटिंग की हुई है स्लाइड में किसी भी प्लेस होल्डर में यदि इस फॉर्मेटिंग को आपको डिलीट करना है मीन्स के टेक्स्ट आपका नॉर्मल शो हो जितनी फॉर्मेटिंग आपने की है फॉर्मेटिंग डिलीट हो जाए जैसे सपोज अभी हमने फॉन्ट का स्टाइल बदला फॉन्ट का साइज बदला अब इसे आपको डिलीट करना है तो आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे तो नॉर्मल जैसा आपका मैग्नेट ब्रीन शो हो रहा था बिल्कुल वैसे ही अब आपको दिख रहा है आई बात समझ में अच्छे से कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की मदद से आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है वो सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स डिलीट हो जाते हैं और नॉर्मल फॉर्मेट में आपको अपना टेक्स्ट दिखता है जैसा था क्लियर सो so, ये सारे ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए सो so, इसी के साथ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का भी आप यूज कर सकते हो बोल्ड पे क्लिक करते हो तो टेक्स बोल्ड होता है इटैलिक पे क्लिक करते हो तो टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है अंडरलाइन पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन शो होगी राइट right? इस प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करोगे तो होल टेक्स पे आपको इस चीजें शो होंगी क्लियर या सिंपल किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो उस इंडिविजुअल टेक्स्ट को भी आप बोल्ड या इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो राइट सो स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो राइट right? उसी के साथ यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए भी एक ऑप्शन होता है जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं मैग्नेट ब्रेन में इनमें यदि स्पेसिंग आपको अलाउ करना है तो आप इस ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे सो तो किसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिंग देना है देखो जिस भी किसी ऑप्शन पे कर्सर मूव करा है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिंग आपको दिख रही होगी अभी वेरी टाइट सिलेक्टेड है अभी वेरी टाइट पे देखो एकदम पास पास में आपको मैग्नेट ब्रेन के लेटर्स दिख रहे हैं उसी के साथ टाइट पे क्लिक करोगे तो थोड़े से लूज वे में आपको शो होंगे उसी के साथ नॉर्मल इस तरीके का टेक्स्ट होगा है ना देन लूज देन वेरी लूज एंड मोर स्पेसिंग मोर स्पेसिंग पे जाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पेसिंग कस्टमाइज कर पाओगे जितने नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको स्पेसिंग सेट करना है आप वैसे सेट कर सकते हो सो डिफॉल्ट यहाँ पे हम नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो स्पेसिंग होना चाहिए वर्ड में लेटर्स के बीच में वो नॉर्मल होना चाहिए यदि आपको केस चेंज करना है मतलब आपको कैपिटल या स्मॉल में कन्वर्ट करना है ठीक है तो आप यहाँ पे कन्वर्जन भी कर सकते हो जिसे हम चेंज केस ऑप्शन के नाम से जानते हैं इस पर जैसे ही क्लिक करती हूँ तो आपको इस मैग्नेट ब्रेन को जो सिलेक्टेड आपको यहाँ दिख रहा है टाइटल इसे सेंटेंस केस में करना है लोअर केस में करना है अपर केस में करना है कैपिशलाइज ईच वर्ड के अकॉर्डिंग मतलब हर वर्ड कैपिटल शो हो उसके अकॉर्डिंग या टॉगल केस में टॉगल केस जस्ट अपोजिट होता है जो नॉर्मल आपने लिखा होता है उसके सो so, देखो जैसे कर्सर मेरा किसी भी ऑप्शन पे मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेट मैग्नेट्स में आपको चेंजेस दिख रहे हैं ठीक है सेंटेंस केस पे मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है तो सेंटेंस केस में क्या होता है पहला लेटर कैपिटल होता है तो मैग्नेट ब्रेन्स का एम आपको कैपिटल दिख रहा है ठीक है और सेंटेंस में फिर जितने भी वर्ड्स लिखे होंगे सब स्मॉल लेटर्स में होंगे बस फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा राइट लोअर केस पे आ जाते हैं तो सारे लेटर्स आपके स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं देखो अब मैग्नेट ब्रिन्स में सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स है

कैसे केस चेंज करना है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया राइट सपोज हम यहाँ पे अपर केस को सिलेक्ट कर लेते हैं उसी के साथ यहाँ पे देखो यदि आपको फिल करना है टेक्स्ट को हाईलाइट करना है या आपको प्लेस होल्डर को फिल करना है फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो वो भी पॉसिबल है यदि आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स विजिबल हो जाएंगे कि टेक्स्ट को आपको किस कलर के थ्रू हाईलाइट करना है देखो जिस भी कलर पे कर्सर मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट हाईलाइट होके शो हो रहा है ठीक है मैग्नेट मैग्नेट्रिंस टेक्स्ट आप देख सकते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट हाईलाइट होकर शो हो रहा है सपोज मैंने इस ग्रे कलर को सेलेक्ट कर लिया यदि हाईलाइट नहीं करना है तो आप इस नो कलर चेकबॉक्स को भी चेक कर सकते हो ठीक है तो मैंने यहाँ पर ग्रे कलर सेलेक्ट कर लिया कि इस तरीके इस कलर से मुझे मेरे टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उसी के साथ यदि आपको फॉन्ट कलर बदलना है तो आप फॉन्ट कलर भी बदल सकते हो इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट कलर के डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे जिस भी कलर पे कर्सर मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फॉन्ट चेंज होते हुए शो हो रहे हैं देखो ध्यान से ठीक है सो मैग्नेट ब्रेन जो वर्ड है उसके फॉन्ट आपको अलग अलग कलर में शो हो रहे हैं जैसे मेरा कर्सर मूव कर रहा है कलर पैलेट पे ठीक है कुछ स्टैंडर्ड कलर्स भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो यदि आपको ये कलर्स पसंद नहीं आते हैं तो आप मोर कलर्स पे क्लिक करके भी कलर्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो इस कलर बार के थ्रू में कलर को आप कस्टम करके कस्टमाइज भी कर सकते हो या स्टैंडर्ड कलर्स को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो राइट right? नाउ ये तो बात हो गई फॉन्ट ग्रुप की आप फॉन्ट लॉन्चर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्ड एक्सेल में हमने देखा सो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाना है जैसे सारे ऑप्शन आपने यहाँ पे एक्सेस किए वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाना है इफेक्ट हमने यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू देखा था ओनली आपको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे डबल स्ट्राइक थ्रू स्ट्राइक थ्रू सुपरक्रिप्ट सब स्क्रिप्ट ठीक है स्मॉल कैप्स ऑल कैप्स डिफरेंट इफेक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगता है अपने टेक्स्ट के लिए आप इस चेकबॉक्स को चेक करके उसे एक्सेस कर सकते हो फॉन्ट कलर बदलना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको ऑप्शन बिल्कुल उसी तरीके से मिलेगा वैसा ही कलर पैलेट ओपन होगा अंडरलाइन टेक्स्ट का स्टाइल बदलना है तो आप अंडरलाइन का स्टाइल बदल सकते हो अंडरलाइन जिस कलर से करना है वो कलर भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो राइट उसी के साथ फॉन्ट स्टाइल बोल्ड इटालिक अंडरलाइन फॉन्ट साइज आप बदल सकते हो तो ये बेसिकली आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आपको शो होता है उसी के साथ आपको यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग भी मिलता है सो कैरेक्टर स्पेसिंग टाइप के थ्रू आप कैरेक्टर्स में स्पेस सेट कर सकते हो जैसे यहाँ पे हमने अभी एक ऑप्शन देखा था कैरेक्टर स्पेसिंग का बिल्कुल वैसे यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग को आप कस्टमाइज कर सकते हो मोर स्पेसिंग पे क्लिक करोगे ना तो यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा राइट right? अब यहाँ से आपको जो स्पेसिंग सेट करनी है नॉर्मल रखना है कंडेन्ड रखना है कंडेंस्ड रखना है या फिर आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो किसी पर्टिकुलर साइज को मेंशन करके भी क्लियर नाउ क्लिक ऑन ओके सो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी आप ये सेटिंग्स कर सकते हो उसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप मिलता है दैट इज पैराग्राफ ग्रुप राइट अब इस पैराग्राफ ग्रुप में देखो आपको अलाइनमेंट से रिलेटेड बुलेट्स नंबरिंग से रिलेटेड ठीक है इंडेंटेशन वगैरह से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे वर्ड एक्सेल में होते हैं बिल्कुल वैसे ही सो so, पैराग्राफ से रिलेटेड सपोज आपको कुछ बुलेट्स वगैरह एंटर करनी है राइट right? अब आपको स्लाइड प्रिपेयर करनी है और स्लाइड्स में आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करना है तो उन पॉइंट्स को ऐड करने के लिए आप सपोज चाहते हो कि बुलेट्स का या नंबरिंग का यूज कर सकते हो सो बुलेट यदि आपको ऐड करनी है तो आप इन बुलेट्स का यूज कर सकते हो नंबरिंग का यूज करना है तो आप नंबरिंग का भी यूज कर सकते हो सपोज यहाँ पे जो सब हमने एड करना था यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स एड करने सब टाइटल में ठीक है सो सपोज मैंने यहाँ बुलेट्स का यूज किया तो देखो बुलेट्स ऑटोमेटिकली आपको यहाँ इनेबल हो गई अब यहाँ सपोज मैं लिखती हूँ सब में

है ना ये सर्कल के फॉर्मेट में शो हो रही है स्क्वायर के फॉर्मेट में शो हो रही है इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट बुलेट स्टाइल्स दिख रही है और ये जिस भी स्टाइल पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ भी चेंजेस शो हो रहे होंगे देखो आप ध्यान से ठीक है आप अपने अकॉर्डिंग नई बुलेट्स नंबरिंग को ऐड भी करवा सकते हो यदि ये साइंस आपको अच्छे नहीं लगते हैं बुलेट्स के तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी इसे कर सकते हो कोई नया सिंबल भी यहाँ बुलेट्स में ऐड कर सकते हो बाय बुलेट्स एंड नंबरिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाएंगे कस्टमाइज पे क्लिक करोगे सो तो यहाँ से आप कोई और सिंबल को भी ऐड कर सकते हो जैसे सपोज मैंने इस सिंबल को ऐड कर दिया राइट right, ओके okay पे कर दिया तो अब ये बुलेट्स में ऐड हो जाएगा देखो इस तरीके से ये बुलेट्स में आ चुका है ओके okay पे क्लिक करोगे सो तो देखो ये पर्टिकुलर सिंबल अब आपका बुलेट्स में शो हो रहा है ओके okay. नंबरिंग को ऐड करना है तो आप यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट कर लो जिसमें आपको बुलेट्स नंबरिंग ऐड करवाना है सपोज सो नंबरिंग पे आपने क्लिक किया तो अब ये आपके नंबर के अकॉर्डिंग सेट हो गया ठीक है आप यहाँ के स्टाइल को भी बदल सकते हो जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है देखो जिस भी स्टाइल पे कर्सर मेरा मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेस होल्डर में चेंजेस दिख रहे होंगे राइट ए बी सी रोमन नंबर्स में स्मॉल लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में जैसे आपको नंबरिंग स्टाइल सेट करना है यहाँ से नंबरिंग स्टाइल को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो बुलेट्स नंबरिंग पे क्लिक करोगे तो नंबर के स्टाइल्स आपको विजिबल हो जाएंगे ठीक है जो नंबर का स्टाइल आपको यहाँ से सेट करना है वो सेट कर सकते हो जिस भी नंबर से स्टार्ट करवाना है सपोज मुझे स्टार्ट करवाना है यहाँ पे फाइव से तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट एट पे फाइव सेलेक्ट कर लिया और ओके okay पे क्लिक करा तो देखो अब ये फाइव से स्टार्ट हो गया है ना सो ये ऑप्शंस आपको यहाँ विजिबल होते हैं बस इन इनपे क्लिक करके इन्हें एक्सप्लोर करने की आपको नीड होती है जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे क्लिक नहीं करोगे तो आपको ऑप्शंस कैसे विजिबल होंगे राइट right. उसी के जस्ट बिलो देखो आपको यहां पे अलाइनमेंट शोर है डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है ना सब टाइटल की और टाइटल की वो क्या होती है भाई सेंटर होती है यदि आपको ये अलाइनमेंट बदलनी है तो आप इन्हें बदल भी सकते हो चेंज भी कर सकते हो सो so, उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करना होगा लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करोगे जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल एल होता है तो टेक्स्ट आपका लेफ्ट अलाइन हो गया देखो प्लेस होल्डर के लेफ्ट अलाइन हो गया सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर अलाइन कर सकते हो डिफॉल्ट सेंटर अलाइन होता ही है जो भी टाइटल सब टाइटल होता है वो डिफॉल्ट सेंटर ही अलाइन होता है है ना राइट right अलाइन करना है तो राइट right अलाइन हो जाएगा राइट right अलाइन का शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल आर सेंटर अलाइन का शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल ई ठीक है जस्टिफाई करना है यदि आपको आप चाहते हो पूरे प्लेस होल्डर में फिक्स हो जाए तो कंट्रोल जे जस्टिफाई का शॉर्टकट की होता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं फिलहाल हम इसे सेंटर ही अलाइन कर लेते हैं यदि आपको यहाँ पे टेक्स्ट को कॉलम्स में डिवाइड करना है ठीक है आप चाहते हो कि आपके पास स्लाइड में बहुत ज्यादा टेक्स्ट है तो आप एक ही स्लाइड पे उसे शो करवाना चाहते हो और कोई टेक्स्ट को आप डिलीट भी नहीं करना चाहते तो आप टेक्स्ट को कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो जैसे वर्ड में हमने कॉलम्स देखे थे ना वैसे आप यहाँ पे भी कॉलम्स स्लाइड में भी क्रिएट कर सकते हो ठीक है तो उसी के लिए आपको ये ऑप्शन यूज करना होता है दैट इज कॉलम ऐड और रिमूव कॉलम्स आप यहां से टेक्स्ट को कॉलम्स में स्प्लिट कर सकते हो आइदर टू कॉलम थ्री कॉलम फोर कॉलम फाइव कॉलम और मोर देन दिस कॉलम्स ओके सो आई क्लिक हियर So, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम मोर कॉलम्स पे क्लिक so यहाँ पे आपको जितने करने, वो आप यहाँ क्रिएट करना है और हर एक कॉलम के बीच में कितनी स्पेसिंग रहेगी वो स्पेसिंग भी बेसिकली आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कस्टमाइज करके नाउ क्लिक ऑन सो उसके अकॉर्डिंग कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे राइट right? साथ ही आप यहाँ पर लाइन स्पेसिंग भी सेट कर सकते हो फॉन्ट में आके आप कैरेक्टर स्पेसिंग सेट कर सकते हो पैराग्राफ में आके आप लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हो मतलब आपने यहाँ जो लाइन्स लिखी उनके बीच में आपको क्या स्पेसिंग सेट करना है जैसे फ्री एजुकेशन ऑल कोर्सेज दो पॉइंट्स हमने यहाँ क्रिएट किया इनमें यदि आपको स्पेसिंग सेट करनी है देखो जिस भी स्पेसिंग पर मेरा कर्सर मूव करा है उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिंग बढ़ती हुई शो होगी ये 1.5, 2.0, 2.6, 3.0 या मोर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आपको जाना है तो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाकर इंडेंट और स्पेसिंग को सेट कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इंडेंट स्पेसिंग को एक्सेल में वर्ड में सेट किया था राइट सो इंडेंट स्पेसिंग के ऑप्शंस आपको यहां मिल जाएंगे जिसमें आपको अलाइनमेंट्स भी मिलेगा स्पेसिंग भी मिलेगा इंडेंटेशन भी मिलेगा ठीक है so, सो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो टैब स्पेसिस के लिए भी यहाँ से आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा जिसके थ्रू आप टैब स्पेसिस को भी सेट कर सकते हो सो होप आपको लाइन स्पेसिंग भी अच्छे से समझ में आया कैरेक्टर स्पेसिंग भी अच्छे से समझ में आया इसी के साथ अलाइनमेंट भी आपको अब अच्छे से क्लियर है राइट right, उसी के साथ टेक्स्ट की डायरेक्शन यदि आपको सेट करनी है मतलब यू वांट टू चेंज दी ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट जैसे आप सेल में एक्सेल में सेल में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन सेट कर सकते थे ना वर्टिकल स्टैक्ड रोटेट करवा सकते थे टेक्स्ट को किसी एंगल के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसे यहां भी आप टेक्स्ट का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो प्लेस होल्डर में स्लाइड्स के सो so इसी को बेसिकली यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है

टू सेवेंटी डिग्री रोटेट करना है तो ये टू सेवेंटी डिग्री रोटेट हो जाएगा स्टैक्ड फॉर्मेट में चाहिए तो एक स्टैक्ड फॉर्मेट में आपको दिख रहा है ठीक है इसके अलावा मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे सो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन रोटेशन से रिलेटेड ठीक है मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से रोटेट करना चाहते हो क्या मार्जिन वगैरह सेट करना चाहते हो टेक्स को रैप करना चाहते हो क्या सो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे कॉलम्स में एड करना है तो कॉलम्स ऑप्शन अगेन यहाँ पे विजिबल होगा राइट right, तो टेक्स्ट का डायरेक्शन भी आप यहां से सेट कर सकते हो टेक्स्ट को अलाइन करना है तो यदि आप आप पे अलाइनमेंट सेट करना करना चाहते हो कि टेक्स्ट को किस तरीके से अलाइन है तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है सो बेसिकली ये अलाइन टेक्स्ट ऑप्शन वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए होता है और यहाँ पे जो अलाइनमेंट ऑप्शन है लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम ये हॉरीजोंटली टेक्स्ट को अलाइन करते हैं तो अभी हॉरीजोंटली टेक्स्ट अलाइनमेंट तो हमने देख लिया वर्टिकली यदि आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है सो so बेसिकली आप यहाँ पे टेक्स्ट को टॉप में सेट कर सकते हो मिडिल में सेट कर सकते हो बॉटम में भी सेट कर सकते हो जैसे टॉप मिडिल बॉटम पे कर्सर मूव कर रहा है तो आप देखो प्लेस होल्डर में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं अलाइनमेंट आपको शो रही है ये टॉप पे सेट हो रहा है प्लेस होल्डर के टेक्स्ट ये टेक्स्ट प्लेस होल्डर के मिडिल में आपको टेक्स्ट मूव करते हुए दिख रहा है और प्लेस होल्डर के एकदम बॉटम पे अब आपको टेक्स्ट मूव होते शो हो रहा है ठीक है यदि इसके अलावा मोर ऑप्शन को एक्सेस करना है तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो क्लियर सो आप यहाँ से हॉरीजोंटली टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो सिमिलरली आप यहाँ से अलाइन टेक्स से वर्टिकली भी टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो

आपको डिफरेंट आर्ट वर्क यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे अपने टाइटल के लिए जैसा टाइटल फिर आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो तो स्लाइड्स में आपको ये चीज़ें भी पॉसिबल होती हैं ठीक है ये स्मार्ट आर्ट आपको यहाँ से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पे जाऊंगे सो तो आपको और फर्दर यहाँ पे ग्राफिक्स विजिबल हो जाएंगे जिस भी तरीके का स्मार्ट आर्ट आपको अपने टॉपिक के लिए सेट करना है वैसा आप यहाँ से सेट कर सकते हो क्लियर सो so, सपोज मैंने यहाँ पे इस तरीके का स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट कर लिया है सो तो आप देखो यहाँ पे ये यह टाइटल इस तरीके से विजिबल हो रहा है जैसे इस पे क्लिक किया तो स्मार्ट आर्ट डिजाइन का टैब भी यहाँ विजिबल हो गया जिसमें आपको स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड स्टाइल्स लेआउट्स कैसे आपको शेप ऐड करना है बुलेट्स ऐड करना है ना से सारे आपको हो है। Z में प्रेस आप एडिट भी कर सकते हो उसके लिए अलग से स्मार्ट आर्ट डिजाइन टैब भी विजिबल हो जाएगा राइट आफ्टर दिस पर so में आप देखो आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पे आप कुछ शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो ठीक है शेप्स मतलब बात करें तो सर्कल ट्राइंगल रैक्टेंगल एरो की डिफरेंट शेप्स आपको यहाँ मिल जाएंगे इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूंगे तो आपको मोर शेप्स विजिबल हो जाने, ठीक है थीके? अब आप यहाँ से लाइन रैक्टेंगल बेसिक शेप्स ब्लॉक एरोज इक्वेशन शेप्स फ्लो चार्ट स्टार बैनर्स कलाउट्स एक्शन बटन किसी का भी यूज कर सकते हो अपनी स्लाइड्स में इनमें से किसी भी शेप को ड्रॉ करवा सकते हो राइट right. सपोज मैं यहाँ पे किसी रेक्टेंगल को ड्रॉ करवाना चाहती so, हूँ कर और इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए फिर मैं यहाँ पर देखो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ सो so, आप यहाँ पे किसी शेप को भी ड्रॉ करवा सकते हो बहुत ईजी मैनर में और जैसे ही आपने शेप ड्रॉ किया है शेप को सिलेक्ट किया है सो शेप फॉर्मेट टैब आपके सामने विजिबल हो रहा है ठीक है अब इस शेप फॉर्मेट टैब में आप ध्यान से देखो आपको डिफरेंट स्टाइल्स दिख रहे हैं शेप से रिलेटेड शेप का कलर बदल सकते हो शेप का आउटलाइन बदल सकते हो कोई शेप यदि आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से शेप को चेंज भी कर सकते हो राइट इवन यू कैन एड दल्सो यदि आपको कोई टेक्स्ट टेक्स्ट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो एक से ज्यादा शेप उन्हें ग्रुप करना है रोटेट करना है टेक्स्ट के साथ में एडजस्ट करना है सो अरेंज ग्रुप का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो साथ ही आप हाइट और विर्थ भी शेप की सेट कर सकते हो सो शेप फॉर्मेट टैब में आपको ये सारे शेप से रिलेटेड

चेंज कर सकते हो फिल कर सकते हो ऐड करवा सकते हो क्लियर ये लॉन्चर में भी आपको सारे वही ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको यहां सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं ऐसे पैराग्राफ के लॉन्चर पे क्लिक तो पैराग्राफ स्पेसिंग वाला डायलॉग बॉक्स अगेन आपके सामने ओपन होगा जो हमने यहां भी देखा था क्लियर सो so, हर एक लॉन्चर का फॉन्ट पैराग्राफ ड्रॉइंग इनके लॉन्चर्स पे क्लिक करोगे तो इनके डायलॉग बॉक्स आपको विजिबल होंगे उसी के साथ एडिटिंग ग्रुप पे आ जाओ तो एडिटिंग ग्रुप की मदद से बेसिकली आप यहाँ पे एडिटिंग करवा सकते हो ठीक है जो भी एडिटिंग करना है आपको फाइंड रिप्लेस करना है तो फाइंड रिप्लेस का यूज कर सकते हो मतलब सपोज आपने स्लाइड्स में कुछ वर्ड को फाइंड करना है या किसी वर्ड को रिप्लेस करवाना है तो वो ऑप्शन भी विजिबल है बिल्कुल वैसे जैसे वर्ड में हमने यूज किया था सो फाइंड और रिप्लेस अगेन अवेलेबल है यहाँ पर इनकी शॉर्टकट की कंट्रोल एच कंट्रोल एफ का आप यूज कर सकते हो सिलेक्ट करना है किसी ऑब्जेक्ट को किसी टूल को तो आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट टूल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो सो दिस इज अबाउट एडिटिंग ग्रुप राइट सो होम टाइप के ये जो ग्रुप्स हैं और इनमें जो ऑप्शन है ना ये आपको बेसिक ऑप्शन है और ये आपको जरूर पता होने चाहिए यदि ये पता नहीं होंगे तो आप नॉर्मली कोई भी स्लाइड को प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगे राइट right? एक नॉर्मल स्लाइड को आपको प्रिपेयर करना है नॉर्मल एडिटिंग फॉर्मेटिंग के फीचर्स को यदि जानना है तो आपको होम तो अच्छे से पता होना ही चाहिए क्लियर इसी के साथ आ जाओ इंसर्ट टैप पर इंसर्ट टैप में देखो आपको क्या क्या ऑप्शन कौन कौन से ग्रुप्स मिलते हैं इंसर्ट so, टैब में आपको स्लाइड ग्रुप मिलेगा एक दूसरा टेबल मिलेगा इमेजेस मिलेगा मिलेगा एडिंस मिलेगा लिंक्स मिलेगा कमेंट्स टेक्स्ट सिंबल्स मीडिया ये सारे ग्रुप्स आपको यहाँ मिलेंगे तो सिंपल सी बात है इंसर्ट टैब का नाम से समझ में आ रहा है कि जब आपको स्लाइड में कोई पिक्चर टेबल नई स्लाइड कोई शेप आइकन सिंबल कमेंट हेडर फूटर है ना या कोई ऑडियो वीडियो को ऐड करवाना होता है इंसर्ट करवाना होता है तो हम बेसिकली इस टैब का यूज़ करते हैं जैसे अभी तक हम वर्ड एक्सेल में यूज करते हुए आए नई स्लाइड ऐड करना है तो आप यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो नई स्लाइड कौन सी ऐड करना है ब्लैंक स्लाइड ऐड करना है है ना डिफरेंट लेआउट आपको यहाँ विजिबल होंगे देखो डिफरेंट लेआउट्स आपको यहाँ दिख जाएंगे पढ़ेंगे हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में कि नई स्लाइड कैसे ऐड करते हैं डुप्लीकेट स्लाइड कैसे क्रिएट करते हैं है ना स्लाइड्स को री कैसे करते हैं ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे यदि आपको टेबल ऐड करनी है अपनी स्लाइड में तो आप टेबल को भी ऐड कर सकते हो मतलब बिल्कुल वैसा ही टेबुलर डेटा रो कॉलम में यदि आपको ऐड करना है अपनी स्लाइड में तो यहाँ से इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वही सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे आपको वर्ड में मिले थे ग्रिड का यूज करके आप टेबल क्रिएट कर पाओगे इंसर्ट टेबल बटन के थ्रू आप टेबल क्रिएट कर पाओगे ड्रॉ टेबल के थ्रू आप टेबल को ड्रॉ भी कर पाओगे सो so, तीनों ऑप्शन बिल्कुल वर्ड के जैसे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं इवन आप एक्सेल से भी कोई टेबल को यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा सकते हो Right, so, राइट ये तो एक से अवेलेबल है यदि आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है कोई स्क्रीनशॉट लगाना है जो आपने लिया हुआ है कोई फोटो एल्बम से यदि कोई फोटो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन में ऐड करना है सो इमेजेस ग्रुप से आप पिक्चर स्क्रीनशॉट या फिर कोई पिक को यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हो स्लाइड में पिक्चर पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा सपोज इस डिवाइस में कोई पिक्चर है आपकी तो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो सी ड्राइव डी ड्राइव जहां भी आपकी पिक्चर होगी वो बेसिकली इंसर्ट हो जाएगी यदि आपने ऑनलाइन एक्सेस करना है गूगल वगैरह से तो आप ऑनलाइन भी पिक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो कोई स्क्रीन आपके सिस्टम में आपने लेके रखा हुआ है तो स्क्रीन क्लिपिंग भी आप यहाँ से ऐड करवा सकते हो कोई पिक्चर को यदि ऐड करना है फोटो एल्बम से तो नई फोटो एल्बम को भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो राइट उसी के साथ इलिस्ट्रेशन ग्रुप में आ जाओ तो इलिस्ट्रेशन ग्रुप में आपको कोई शेप इंसर्ट करना है वही शेप जो अभी हमने होम टैब में देखे ना वो आप ड्रॉ भी करवा सकते हो आप यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो दोनों जगह पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कोई आइकन आपको इंसर्ट करना है या फिर कोई थ्री मॉडल आपको यहाँ से इंसर्ट करना है जो आपके डिवाइस में सेव है उसे आप इंसर्ट करवा सकते हो स्मार्ट आर्ट जो अभी हमने देखा स्मार्ट आर्ट उसको भी आप यहाँ से भी इंसर्ट करवा सकते हो दोनों जगह होम टैब में भी मिल जाते हैं आपको इंसर्ट में भी मिल जाते हैं कोई चार्ट या ग्राफ इंसर्ट करना है आपको किसी टैबलेट डेटा से रिलेटेड तो ग्राफ चार्ट भी प्रेजेंटेशन सपोर्ट करता है जैसे एक्सेल में हमने इंसर्ट किया था बिल्कुल वैसे कॉलम बार लाइन स्कैटर जिस भी टाइप का चार्ट आपको यहाँ पे इंसर्ट करवाना है वो चार्ट भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो कोई एडिंस को यदि आपको यूज करना है तो एडिंस को भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो लिंक्स वगैरह आपको क्रिएट करनी है तो लिंक्स को भी आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो यदि आपको अपनी स्लाइड को जूम इन जूम आउट करके देखना है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है कोई कमेंट ऐड करना है अपनी स्लाइड से रिलेटेड तो आप कमेंट को भी ऐड कर सकते हो सो इंसर्ट कमेंट के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो हेडर फुटर ऐड करना है कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है अपनी स्लाइड में वर्ड आर्ट का यूज करना है ठीक है डिफरेंट वर्ड आर्ट्स भी देखो विजिबल होते हैं राइट सो वर्ड आर्ट को आप इंसर्ट कर सकते हो स्लाइड में हेडर फुटर को यहां से इंसर्ट कर सकते हो हेडर फुटर पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से हेडर फुटर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा अब हेडर फुटर अच्छे से पता है ना स्लाइड के टॉप पे और एकदम स्लाइड के बॉटम में यदि आप स्लाइड नंबर ऐड करना चाहते हो स्लाइड का नेम ऐड करना चाहते हो

सिंबल को इंसर्ट करना है तो सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हो बिल्कुल वैसे जैसे वर्ड एक्सेल में इंसर्ट किया था यदि कोई ऑडियो वीडियो को इंसर्ट करना है सो दिस इज अगेन पॉसिबल इन प्रेजेंटेशन आप ऑडियो वीडियो या स्क्रीन रिकॉर्ड किया हुआ कोई रिकॉर्डिंग है उसे भी आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो किसी मीडिया को भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो इस मीडिया ग्रुप से सो इंसर्ट टैब भी अच्छे से क्लियर हो गया कि इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं उसी के साथ ड्रॉ टैब पर आते हैं आप ड्रॉ टैब का भी यूज कर सकते हैं इस ड्रॉ टैब में आपको टूल्स मिल जाएंगे पेन मिल जाएंगे कन्वर्ट ये सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप ड्रॉइंग कर सकते हो सपोज आप यहाँ पे किसी पेन का सिलेक्शन करते हो और इस पेन से आपको जो भी ड्रॉइंग करना है जो भी लिखना है आप वो बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हो राइट right? इसको इरेज करना है तो आप यहाँ से इरेजर का भी यूज कर सकते हो इसको इरेज करने के लिए कुछ इस तरीके से इरेजर के भी अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ अवेलेबल है जैसे आपने पेन ब्रश पे वर्क किया है ना बिल्कुल वैसे ही टूल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ठीक है ड्रॉ करने के लिए भी आप स्लाइड में कुछ ड्रॉ करके भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हो कोई ड्राइंग यदि आपको क्रिएट करना है तो उसे भी क्रिएट कर सकते हो लेजो सिलेक्ट का यूज कर सकते हो यदि फ्री हैंड सिलेक्शन आपको परफॉर्म करना है ठीक है यदि कोई नया पेन ऐड करना है तो यहाँ से आप पेन को भी ऐड कर सकते हो हाईलाइटर ऐड कर सकते हो ठीक है आप इंक को कन्वर्ट भी करवा सकते हो इंक टू शेप और इंक टू मैथ सो so, ये सारे ऑप्शन जैसे आपने पेन ब्रश में देखे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक ड्रॉ टैब में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं सो डिजाइन टैब पर आते हैं तो डिजाइन टैब में आप देखो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन विजिबल हो रही है ठीक है अब जिस भी डिजाइन पे मेरा कर्सर मूव करेगा ना उसके अकॉर्डिंग आप देखो स्लाइड चेंज होती जाएगी आप स्लाइड का डिजाइन एक्चुअली में यहाँ सेट कर सकते हो राइट जैसा डिजाइन आपको अच्छा लगता है सो so, ये अलग अलग थीम्स बेसिकली आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है जिसके अकॉर्डिंग आप स्लाइड को चेंज कर सकते हो ठीक है, सो ब्लैंक प्रेजेंटेशन में ही आप इस तरीके से थीम्स को अप्लाई कर सकते हो इवन यदि कोई theme यहां जो आपको डिस्प्ले हो रही है अच्छी नहीं भी लगती है तो आप इस डाउन एरो पे क्लिक करके मोर स्टाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ से आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है अपने स्लाइड के लिए जो थीम बेसिक लगता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो क्लियर सपोज मैंने इस थीम को अप्प्लाई कर लिया अब इवन जैसे ही मैंने थीम सिलेक्ट किया तो आप देखो यहाँ पे आप थीम को चेंज भी कर सकते हो ठीक है आप थीम को भी बदल सकते हो क्लियर इसमें थीम्स में अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो वेरिएंट आपको अच्छा लग रहा है वो वेरिएंट आप यहाँ से अपनी थीम के लिए सेट कर सकते हो मतलब जिस थीम के अकॉर्डिंग आप चाहते हो उस थीम को सेट कर सकते हो उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो कलर बदलना है फॉन्ट बदलना है इफेक्ट्स बदलना है बैकग्राउंड स्टाइल बदलना है जो आपको सेट करना है यहाँ से बेसिकली आप बैकग्राउंड इफेक्ट कलर सब चेंज कर सकते हो क्लियर so, सो पे थीम सेलेक्ट करने के बाद थीम को भी एडिट कर सकते हो हर एक स्लाइड के लिए सेट कर सकते हो बैकग्राउंड को फॉर्मेट भी कर सकते हो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कहाँ पर डिजाइन टैब में सो डिजाइन टैब में जैसे ही थीम सेलेक्ट करते हो ड्राइंग टूल आपके सामने विजिबल हो जाता है जिसमें आपको डिफरेंट थीम्स उनके वेरियंट्स और आप थीम को कस्टमाइज भी कर सकते हो यहाँ से क्लियर सो so, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं डिजाइन टैब में जहां पे आप थीम को बदल सकते हो है ना कस्टमाइज भी कर सकते हो उसी के साथ आ जाते हैं ट्रांजिशन टैब पे सो so, ट्रांजिशन टैब में देखो बेसिकली आपको क्या दिख रहा है डिफरेंट ऑप्शन दिख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट सा टैब है जिसमें आप ट्रांजिशन सेट कर सकते हो ट्रांजेक्शन मीन्स वॉट ट्रांजेक्शन्स मीन्स जब आप एक से ज़्यादा स्लाइड्स को ऐड करते हो तो स्लाइड जब बदलती है के टाइम पे प्रिंट प्रीव्यू के टाइम पे जब स्लाइड्स बदलती हैं तो उस टाइम पर स्लाइड्स में किस तरीके के इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो बेसिकली वो ही ट्रांजिशन कहलाता है सो यहाँ पे आपको डिफरेंट ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं जैसे नन मॉफ फैट पुश वाइट स्प्लिट री कट रेड बास शेप अनकवर कवर फ्लैश फॉल ओवर ड्राप करटन वेंट सो डिफरेंट यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन विजिबल हो रहे हैं इनके अलावा यदि और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो ट्रांजेक्शन को तो ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूंगे सो आपको यहाँ डिफरेंट ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे राइट right? अब जिस भी ट्रांजिशन को आप सेलेक्ट करोगे सपोज मैंने स्विच को सिलेक्ट किया तो देखो आपको तुरंत प्रीव्यू यहाँ पे दिखा देखा एयरप्लेन ट्रांजिशन को सिलेक्ट किया तो इस तरीके से आपको स्लाइड विजिबल होगी जब आप इसका प्रीव्यू देखोगे सपोज इस प्रीव्यू पे क्लिक करती हूं तो जैसे ही आप इसका प्रीव्यू देखोगे तो आपको स्लाइड पहले यहाँ पे शो होगी कि स्लाइड शो के टाइम पे आपको स्लाइड किस तरीके से दिखेगी फ्रैक्चर पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको स्लाइड विजिबल होगी मतलब जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करोगे तो न्यू स्लाइड आपको किस तरीके से अपीयर होगी है ना सो so, वो बेसिकली इफेक्ट आप यहाँ से सेट कर सकते हो जिसे हम ट्रांजिशन कहते हैं देखो जिस भी ट्रांजिशन पे मैं क्लिक कर रही हूं, आपको अलग अलग ट्रांजिशन इस तरीके से शो हो रहे हैं जैसे डिजोल्व पे क्लिक किया तो इस तरीके से स्लाइड विजिबल होगी चेकबोर्ड पे क्लिक किया तो इस तरीके से आपको स्लाइड विजिबल होगी ब्लाइंड पे क्लिक करूंगी तो इस तरीके से स्लाइड्स विजिबल होगी सो so, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कमाल का टूल है जो प्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव सा बनाता है क्लॉक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से विजिबल होगी राइपल पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको स्लाइड्स विजिबल होंगी क्लियर तो यहाँ से आप कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो प्रीव्यू ग्रुप से देन साथ ही आप यहाँ इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप इन इफेक्ट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो जो इफेक्ट्स आपने यहाँ देखे इन इफेक्ट्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो इसे भी हम आगे डिटेल में चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं ओके okay. एक झलक मैंने आपको यहाँ बतला दी है कि ट्रांजिशन जो टैब है उसका क्या काम होता है इसी के साथ आप चाहते हो कि इसमें साउंड्स ड्यूरेशन भी सेट हो जाए कि भाई इतने टाइम में स्लाइड बदले और इस साउंड के साथ में स्लाइड आपकी शो हो है ना तो आप वो भी सेट कर सकते हो क्लियर सो यहाँ पे कुछ एडवांस स्लाइड ऑप्शन है उनका भी हम बेसिकली यूज कर सकते हैं उसी के साथ एनिमेशन टैब पे आगे बढ़ते हैं सो एनिमेशन टैब में आपको यदि अपने टेक्स्ट में एनिमेशन सेट करना है जो भी स्लाइड्स में आपने ऑब्जेक्ट्स एड किए हुए हैं कुछ आपने ग्राफिक्स टूल्स या वीडियो ऑडियो या फिर कुछ टेक्स्ट आपने ऐड किया हुआ है कोई टेबल या इमेज लगाई हुई है उसमें आप एनिमेशन सेट करना चाहते हो कि एनिमेशन पे वो आपको दिखे जूम इन जूम आउट होके दिखे फैड अप होके दिखे है ना तो अलग अलग एनिमेशन आपको यहाँ से मिल जाते हैं so, सो देखो यहाँ पे नन अपीयर फैड फ्लाई इन फ्लोट इन स्प्लिट वाइप शेप व्हील रैंडम बार्स ग्रो एंड टर्न जूम स्वेल बाउंस है ना पल्स ये सारे आपके एनिमेशन है एनिमेशन ट्रांजिशन में डिफरेंस अच्छे से क्लियर स्लाइड पे अप्लाई होता है, पे, जब होती है तब इन एनिमेशन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो इनमें आप इफेक्ट्स को एड कर सकते हो राइट ये भी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है जैसे सपोज मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया इस प्लेस होल्डर को अब इस पर मैं अपीयर पे क्लिक करती हूँ तो देखो इस तरीके से आपको टेक्स्ट दिखेगा फेड पे क्लिक करती हूँ तो इस तरीके तो तो से टेक्स्ट फेड होकर शो होगा फ्लाइन पे क्लिक करूंगी तो टेक्स्ट आपका फ्लाई होके आएगा फ्लोट इन पे क्लिक करूंगी तो टेक्स्ट इस तरीके से फ्लोट होता हुआ शो होगा स्प्लिट पे क्लिक करूंगी तो इस तरीके से आपको टेक्स्ट विजिबल होगा वाइप पे क्लिक करूंगी सो इस तरीके से इफेक्ट्स अप्लाई होगा शेप पे क्लिक करूंगी सो आपको देखो इस तरीके से एक शेप के फॉर्मेट में टेक्स्ट विजिबल होगा जूम पे क्लिक करूंगी तो जूम इन होकर आपको बेसिकली मैग्नेट ब्रेन विजिबल होगा सो so, ये सभी एनिमेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो प्रीव्यू पे जाके एनिमेशन को कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पर भी आप साउंड एड कर सकते हो कि जैसे टेक्सट एनिमेटेड होके शो हो उस पर कोई साउंड हो आपको शो हो तो साउंड के साथ में वो एनिमेटेड वे में शो होगा ड्यूरेशन सेट कर सकते हो ठीक है सो आप यहाँ पे एनिमेशन से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हो इस एनिमेशन टैब में इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स जो आपके इस यूनिट पर बेस्ड हैं उनमें आपको ये सारे टैब्स को डिटेल में पढ़ना है ठीक है तो हम एक ओवरव्यू जान रहे हैं कि किस टैब का क्या बेसिकली काम होता है स्लाइड शो टैब के थ्रू बेसिकली आप क्या कर सकते हो यहाँ पे स्लाइड शो करवा सकते हो एक से ज्यादा स्लाइड है तो आप उन्हें एक सिक्वेंस में देख सकते हो राइट यदि आपको स्टार्टिंग से देखना है तो आप फ्रॉम बिगनिंग का यूज करते हो या फिर आपको किसी करंट स्लाइड से देखना है तो आप करंट स्लाइड से एक्सेस कर सकते हो है ना आप स्लाइड शो की भी शॉर्टकट कीज होती है एफ फाइव शिफ्ट एफ फाइव स्लाइड शो को आप कस्टम भी कर सकते हो ठीक है अपने अकॉर्डिंग जहाँ जिस जगह से आपको स्लाइड्स विजिबल करवाना है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो सो स्लाइड शो से रिलेटेड सारे ऑप्शन बेसिकली आपको यहाँ मिल जाते हैं ठीक है हाइड करना है स्लाइड्स को तो हाइड भी करवा सकते हो क्लियर टाइमिंग्स वगैरह को यूज करना है तो उससे रिलेटेड चेकबॉक्सेस हैं उनको आप क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो रिकॉर्ड करवाना है तो आप रिकॉर्ड भी करवा सकते हो ओके okay, सो so सारे ऑप्शन स्लाइड शो से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्लाइड so, शो में अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सा टैब है क्योंकि बेसिकली एक बार स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आपको स्लाइड्स को प्रेजेंट करना होता है ऑडियंस के सामने एंड देन आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो स्लाइड शो ऑप्शन जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? उसी के साथ रिकॉर्ड एक टैब होता है रिकॉर्ड टैब में बेसिकली आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो ठीक है सो रिकॉर्ड करना है तो आप इस रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हो जिस भी स्लाइड से आपको रिकॉर्डिंग शुरू करना है करंट स्लाइड से स्टार्टिंग से वहां से आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो राइट स्क्रीन लेना है तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है स्क्रीन का स्क्रीन भी ले सकते हो ठीक है जिस भी किसी स्लाइड का विंडो का यदि आपको एक स्नैपशॉट लेना है तो प्रिंट स्क्रीन बटन की में होता है उसके थ्रू भी कर सकते हो यहां पे एक ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है स्क्रीनशॉट यहां से भी आप स्क्रीन ले सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यदि आपको कोई इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑडियो को वीडियो को प्ले करवा सकते हो इंसर्ट

तो आप स्पेल ग्रामर चेक फीचर का यूज़ कर सकते हो जिसकी शॉर्टकट की एफ सेवन होती है साथ ही आप यहाँ पे थीसोरस फीचर का भी यूज़ कर सकते हो so, सो स्पेल ग्रामर चेक तो अपने आप में बहुत ज़्यादा ही अच्छा टूल है बेसिकली जो कि क्या करता है आपने जो भी यदि ग्रामेटिकल एरर लिखी हुई है या किसी स्पेलिंग में मिस्टेक लिखी हुई है तो उसे करेक्ट कर देता है थीसोरस के थ्रू आप एंटोनियम सिनोनिम ऑपोजिट वगैरह सेट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का किसी भी वर्ड का सो कहीं ना कहीं ये आपकी वोकेबलरी को और आपके कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं है ना स्लाइड में भी वर्ड में भी एक्सेल में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं उसी के साथ यदि आपको टूल्स को एक्सेसिबल बनाना है तो आप चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो यहां आपको एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे यदि आपको सर्च सर्च करना है तो आप यहां से सर्च भी कर सकते हो डेफिनेशन को इमेजेस को वेब पेजेस को है ना किसी भी ऑनलाइन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आप यहां से सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हो यदि आपको लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ पर इस ट्रांसलेट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके आपको देगा

क्लियर सो so, यह बात हो गई रिव्यू टैब की व्यू टैब पे आ जाओ व्यू टैब के थ्रू आप यहाँ पर स्लाइड्स को अलग अलग व्यूज में देख सकते हो सो so, किसी भी प्रेजेंटेशन के डिफरेंट व्यूज होते हैं जैसे प्रेजेंटेशन व्यू पे आ जाए तो नॉर्मल व्यू होता है आउटलाइन व्यू होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है नोट्स पेज व्यू होता है रीडिंग व्यू होता है ये सारे व्यूज को हमने डिटेल में पढ़ा है ठीक है आने वाले चैप्टर्स में हम इनका भी प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग व्यूज में आपको ये बेसिकली जो स्लाइड्स हैं शो होती हैं मास्टर व्यू क्या होता है मास्टर व्यू पे तो हमने लास्ट चैप्टर इसका पूरा कंप्लीट किया

जैसे मेरा पॉइंटर यहाँ पे आया तो आपको जूम इन जूम आउट शो हो रहा है परसेंटेज भी शो हो रहा है सो so, यहाँ भी ये ऑप्शन होता है और साथ ही जूम इन जूम आउट का यहाँ भी ऑप्शन होता है बिल्कुल वैसे ही जो प्रेजेंटेशन के व्यूज आपने देखे ना नॉर्मल आउटलाइन स्लाइड शॉर्टर नोट्स पेज ये आपको यहाँ भी मिल जाते हैं स्टेटस बार में सबसे बॉटम पे आपको ये व्यूज दिख रहे हैं इनके शॉर्टकट आइकन दिख रहे हैं देखो पॉइंटर मूव करा है तो नॉर्मल व्यू स्लाइड शॉर्टर व्यू रीडिंग व्यू है ना यहाँ भी आपको ये ऑप्शन आइकन्स के फॉर्मेट में मिल जाते हैं क्लियर कमेंट्स वगैरह ऐड करने तो आप यहाँ से भी कमेंट्स ऐड कर सकते हो देखो स्टेटस बार में कमेंट्स भी विजिबल हो रहा है नोट्स ऐड करना है तो नोट्स भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो सो so, कुछ टूल्स तो आपको स्टेटस बार में डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस करने को मिल जाते हैं है ना विदाउट गोइंग टैब्स एंड ग्रुप्स आप यहां से भी इन एक्सेस कर सकते हो स्टेटस बार से भी उसी के साथ यदि आपको यहाँ से कलर सेट करना है तो आप कलर भी सेट कर सकते हो ठीक है आपको यदि यहाँ पर विंडोज को स्विच करवाना है मैक्रोज को रिकॉर्ड करना है तो ये भी पॉसिबल है जैसे एक्सेल में मैक्रोज वगैरह को रिकॉर्ड कर सकते हो यहाँ भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो एडिंस नाम का एक टैब होता है बेसिकली इसके थ्रू आप किसी और अदर टूल्स uh, को एड करवा सकते हो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ या फिर आप यहां से रिकॉर्डिंग वगैरह को भी परफॉर्म कर सकते हो क्लियर इसी के साथ हेल्प टैब होता है यदि आपको किसी टूल से या फिर किसी ऑप्शन से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप यहां पे हेल्प टूल का यूज भी कर सकते हो एक्सेल आपको हेल्प भी प्रोवाइड करता है सो so, ये तो बात हुई रिबन एरिया के सभी टैब्स की जिसमें होम इंसर्ट ड्रॉ डिजाइन ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्लाइड शो रिकॉर्ड रिव्यू व्यू सभी टैब के बारे में हमने एक ओवरव्यू जान लिया की कि कि किस तरीके से ये टैब्स हेल्प करते हैं और किस लिए यूज किए जाते हैं फाइल जस्ट होम के पास आपको मिलता है और बिल्कुल वही सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होते हैं यदि आपको प्रेजेंटेशन को स्लाइड को सेव करना है ओपन करना है क्लोज करना है सो उसी से रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखो फाइल टैप पे जैसे क्लिक किया तो आपको लेफ्ट साइड में सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं न्यू ओपन क्लोज सेव शेयर

उसी के साथ आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड को जिसे आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसका लार्ज व्यू देखना है तो ये जो मेन आपका डिजाइन एरिया होता है जहां पे आप स्लाइड को डिजाइन करते हो बेसिकली ये एरिया होता है जहां पे आप स्लाइड को डिजाइन कर सकते हो इसे हम स्लाइड पेन कहते हैं क्लियर और उसी के जस्ट बाद आप यहाँ देखोगे तो आपको मिलेगा स्टेटस बार स्टेटस बार में बेसिकली आप स्लाइड का स्टेटस देख सकते हो कि आप अभी करंटली किस स्लाइड पे काम कर रहे हो टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी आपने ओपन की हुई है कोई स्पेलिंग ग्रामर से रिलेटेड एरर है या नहीं है उसे आप करेक्ट कर सकते हो कौन से लैंग्वेज में आप कर, लिख रहे हो स्लाइड में कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में राइट उसी के साथ स्टेटस बार के राइट साइड में आ जाओगे तो राइट साइड में आपको जूम स्लाइडर मिलेगा जूम परसेंटेज मिलेगा स्लाइड शो आप करवा सकते हो अपनी स्लाइड को ठीक है आप डिफरेंट व्यूज में स्लाइड को देख सकते हो कमेंट एड कर सकते हो नोट्स ऐड कर सकते हो स्क्रोल बार के थ्रू आप स्लाइड को स्क्रोल डाउन और स्क्रोल आप भी कर सकते हो राइट यहाँ पे स्क्रोल बार्स भी आपको विजिबल होते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट पॉवर प्रेजेंटेशन जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा एंड होप आपको अब आप सारे ऑप्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सो so चलते हैं वापस स्लाइड पर सो स्टूडेंट्स होप आपको पावर पॉइंट का इंटरफेस अच्छे से समझ में आया जस्ट बेसिक हमने ओवरव्यू आज डिस्कस किया है कि पावर पॉइंट का जो इंटरफेस है उसमें आपको कौन कौन से मिलते हैं हर एक एक टैब में कौन कौन से टूल्स अवेलेबल होते हैं आने वाले चैप्टर्स में हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं सो so होप आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आई मैग्नेट ब्रिंस आपको ना सिर्फ के ट्वेल्व बल्कि प्रोवाइड करता है सीबीएसई हिंदी इंग्लिश मीडियम एन टी एस सी ओलम्पिया स्पोकन इंग्लिश यूपी बिहार बोर्ड और आप तो एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन भी आपको मैग्नेट प्रिंस करवा रहा है हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी

वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो हंड्रेड परसेंट फ्री ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव अच्छा कर सको so, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के प्रैक्टिकल के साथ टिल स्टे स्टेपी थैंक यू सो मच